हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कार्डियो किचन में। मेरा नाम है मनीषा। आज हम बनाएंगे खट्टा मीठा चिवड़ा नमकीन। इसको हम पोहे की खट्टी मीठी नमकीन भी बोलते हैं। आज हम इसको रोस्ट करके बनाएंगे, जिसे यह बहुत ही कम तेल में बनकर तैयार हो जाएगी और इसको बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। लेकिन रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो प्लीज हमारे पेज को फॉलो करें। तो अब चलिए टाइम न वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं खट्टा मीठा चिवड़ा नमकीन बनाना। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 2 कप पोहा, ये लगभग 150 ग्राम है। तो चलिए चलते हैं गैस की तरफ और इसको बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई को मैंने गैस पे रख दिया है। अब इसमें मैं डालूंगी पोहा। इसको हम लगातार चलाते हुए रोस्ट करेंगे। इसमें अभी मैंने कुछ नहीं डाला है, ना तेल ना घी। इसको हमें लगातार चलाते हुए लगभग 3-4 मिनट तक गोल्डन होने तक रोस्ट करना है। लगभग 3-4 मिनट हो गए हैं, ये देखिए ये अच्छे से गोल्डन हो गए हैं और पूरी तरह से रोस्ट भी हो गए हैं। अब मैं गैस की फ्लेम को बंद कर दूंगी और इसको बॉल में निकाल लूंगी। अब इसी कढ़ाई में मैं डालूंगी 1 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल को हम थोड़ा सा गरम होने देते हैं। ऑयल गरम हो गया है, अब इसमें सबसे पहले मैं डालूंगी मूंगफली। ये मैंने आधा कप जितना मूंगफली लिया है। इसको हम रोस्ट करेंगे, इस तरह से लगातार चलाते हुए हमें इसको रोस्ट करना है। ये देखिए ये मूंगफली अच्छे से रोस्ट हो गई है। अब इसको मैं निकाल लूंगी। अब इसी गरम तेल में मैं डालूंगी मखाने। ये मैंने 1/4 कप मखाने लिए हैं। इसको भी हम थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। ये देखिए ये मखाने भी अच्छे से रोस्ट हो गए हैं, इनको भी हम निकाल लेंगे। और अब इसी गरम तेल में मैं डालूंगी थोड़े से ड्राई फ्रूट। ये मैंने काजू और बादाम को बीच में से कट करके लिया है, इनको भी हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। काजू और बादाम को रोस्ट करने से इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। ये देखिए काजू और बादाम भी अच्छे से रोस्ट हो गए हैं, इनको भी अब मैं निकाल लूंगी। गैस की फ्लेम को अब मैं बंद कर दूंगी और कढ़ाई को थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। कढ़ाई थोड़ी सी ठंडी हो गई है, अब गैस की फ्लेम को हम दोबारा जलाएंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे रखेंगे। अब इसमें मैं डालूंगी सबसे पहले 1/2 टीस्पून नमक, साथ में मिलाऊंगी 1/4 टीस्पून हल्दी, साथ में मैं डालूंगी टाटरी, ये मैंने 1/4 टीस्पून ली है। इन सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे और अब इसमें मैं डाल दूंगी ये पोहा जो हमने रोस्ट किया था। पोहे को मसाले के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब इसी के साथ मैं इसमें मिला दूंगी ये मूंगफली जो हमने रोस्ट करी थी, मखाने रोस्ट किए हुए, और साथ में जो ड्राई फ्रूट हमने रोस्ट किए थे। इन सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए सभी बहुत अच्छे से मिक्स हो गए हैं, लेकिन अभी हमें इसको लगभग 1 मिनट तक इसी तरह चलाते हुए मिक्स करना है। इसको मिक्स करते हुए लगभग मुझे 1 मिनट हो गया है। अब मैं गैस की फ्लेम को बंद कर दूंगी और इसमें लास्ट में मैं डालूंगी 2 टीस्पून पाउडर्ड शुगर, क्योंकि हम खट्टी मीठी नमकीन बना रहे हैं तो मीठा तो डालना बनता है। पाउडर्ड शुगर को भी हम इसके साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। ये सभी अच्छे से मिक्स हो गए हैं, अब मैं इसको बॉल में निकाल लूंगी। नमकीन को मैंने बॉल में निकाल लिया है। इस पूरी नमकीन को बनाने में मैंने सिर्फ 1 टेबल स्पून ऑयल का यूज किया है। ये देखिए कितनी खिली खिली बनी है। ये देखने में जितनी टेस्टी है, खाने में उससे भी ज्यादा टेस्टी है। इसी के साथ ये खट्टा मीठा चिवड़ा नमकीन की रेसिपी कंप्लीट हुई। होपफुली आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसे जरूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में अपने व्यू जरूर शेयर करें। तो चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।